वेलकम बैक टू दूसरे पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और जैसे आप लोगों ने देखा कि पिछले वाले पार्ट वन में हमने ये ड्राइंग स्टार्ट किया था, शैतान मूवी का पोस्टर जो मैंने बोला था, तो फिलहाल अभी यहाँ पे यहाँ तक आप लोगों ने देखा होगा पिछले वाले पार्ट में। तो अगर आप लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले पार्ट वन देख लीजिए, उसके बाद ये वाला वीडियो आप देखिए। तो चलिए ये वाला वीडियो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं डिटेलिंग करते करते। जैसे स्किन टेक्सचर आप लोगों ने देखा कि जो चीक यानी कि गाल के ऊपर जो ऊपर का जो पोर्शन था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अभी बारी है नोज़ की, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल इरेजर जो कि बैटरी से चलता है, आप सबको जैसे पता है। तो हाईलाइट करने के लिए मैंने जैसे बोला था एक वाइट जेली पेन का मैं यूज़ किया है और दूसरा इलेक्ट्रिकल इरेजर का यूज़ किया है। तो आप अपने हिसाब से जैसे रेफरेंस इमेज में जितना भी आप लोगों को लगता है उस हिसाब से आप अपना टूल यूज़ कर सकते हैं। तो रेफरेंस इमेज आप लोगों ने देखी है एज यूजल। तो हाईलाइट एरिया के लिए मैं दो चीज़, एक इलेक्ट्रिकल इरेजर और वाइट जेली पेन का यूज़ किया है। तो चलिए आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं और साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम पूरा नोज़ और दोनों चीज़ को कंप्लीट कर लिया है। जैसे मैंने बोला था एज टेक्सचर आप लोगों को सीखना है तो प्लीज़ कमेंट करें जिसको टेक्सचर के बारे में जानना है, टिप्स या मेरी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, तो प्लीज़ कमेंट करें। और अभी हाल फिलहाल हम स्केच में आगे बढ़ते हुए मैं यूज़ कर रहा हूँ चारकोल पाउडर, जो कि मैंने बोला था बैकग्राउंड के लिए एस बेस्ट होता है क्योंकि पूरा ब्लैक पोर्शन है। तो सबसे पहले डार्क करने के लिए मैं थोड़ा थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, क्योंकि अगर आप उसके बाद पेंसिल से करेंगे, चारकोल पेंसिल से करेंगे तो थोड़ा ईजी रहेगा। तो लाइट एरिया जो है
वो मैं पहले कंप्लीट कर देता हूँ चारकोल पाउडर से, उसके बाद फिर उसके ऊपर हम पेंसिल से उसको कवर करेंगे। तो चलिए आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं, लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब करें करें करें, थैंक यू। तो दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं, इतना बहुत सारा डिटेल करके यहाँ पर हम बनाएंगे। अभी दांत की बारी है, यानी कि टीथ, जो मुंह का पोर्शन है, लिप्स, आप जैसे रेफरेंस में भी देख पा रहे हो, तो वो वाला जो हम डिटेलिंग है वो करने वाले हैं। तो एज़ यूज़ुअल मैंने बताया था कि रेफरेंस ऐसा मैंने चुना है कि उसमें मैं बहुत अच्छे से एकदम डिटेल कर सकूँ, तो मुझे डिटेलिंग वर्क करना था। तो आप वीडियो पॉज करें और मुझे बताएं सबसे पहले कि यहाँ तक आपका वो कैसा लगा स्केच, और कमेंट जरूर करें कि कैसा स्केच बनेगा और कैसा अभी लग रहा है डिटेलिंग के साथ। तो मैं स्पेशली बताऊँ कि बहुत मज़ा आया मुझे स्केच करने में। तो चलिए फटाफट ये वीडियो और ये स्केच दोनों ही कंप्लीट करते हैं।
तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आज का स्केच आपको पसंद आया होगा। और नेक्स्ट मैंने जैसे इंस्टाग्राम की स्टोरी पे पोस्ट पे बताया था कि नेक्स्ट कौन सा स्केच आप देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करें, तो वो वाला मैं स्केच बनाने की कोशिश करूंगा आपके लिए। तो प्लीज़ फटाफट जाइए मेरे इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर और यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा नेक्स्ट स्केच आपको देखना है। तो फटाफट से लाइक से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट आर्ट के साथ, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्केच करते रहिए। थैंक यू सो मच।